हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो गाइस, अगर आप कोई भी लॉटरी खेलते हो तो गाइस अपने नाम पे कभी भी लिया करो, अपने गर्लफ्रेंड या अपने दोस्तों के नाम पे लॉटरी लेने की गलती मत करना। तो गाइस, ये बात है ब्रिटेन में रहने वाले स्टीवन और उसकी गर्लफ्रेंड लोरा का, जो आज के एक साल पहले मार्च में 34 करोड़ रुपया जीते थे लॉटरी। स्टीवन का ये कहना है कि लॉटरी जीतने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने पूरा पैसा हड़प लिया और उससे अलग हो गई। स्टीवन और लोरा एक कपल्स थे जो ब्रिटेन में साथ रहते थे, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो हर महीने कुछ पैसे जमा करेंगे लॉटरी में, और अगर लॉटरी जीत जाएगी तो दोनों में पैसे आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे। तो गाइस, जब 34 करोड़ रुपये मिल गए लॉटरी से, तो उनका ये भी मानना था कि वो दोनों लाइफ टाइम साथ में रहेंगे और कुछ बिजनेस करेंगे। और जब 34 करोड़ रुपए जीते थे तो उनको हर महीने 9 लाख रुपया मिलना था 30 साल तक। तो लॉटरी जीतने के कुछ महीने बाद लोरा स्टीवन से अलग हो गई, और जितने पैसे जीते थे लॉटरी में उसको भी अपने साथ ले गई। और स्टीवन कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि लॉटरी के टिकट पे लोरा का नाम था। लेकिन कुछ महीनों बाद जब स्टीवन लोरा को उसके फ्रेंड की शादी में मिले, तो उसे फिर रिलेशनशिप में आने के लिए बोले, लेकिन लोरा ने साफ इनकार कर दिया। और स्टीवन उसका कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि लॉटरी के टिकट पे लोरा का नाम था, तो कानून के तौर पे लोरा के पास पूरे पैसे आ गए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।